छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसी तरह से ना जाने कितनी कविताओं से लोगों के दिलों पर राज करने वाले इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे और पिछले कुछ टाइम में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और अब वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। अटल जी ओनली एंड ओनली ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनको उनके विरोधी भी दिल से रिस्पेक्ट देते थे, इसीलिए वो सबसे अलग थे। उन्होंने अपनी एक अलग ही इमेज बनाई अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर। तो आइए इस छोटी सी वीडियो में हम अटल जी का पूरा सफर जानते हैं। तो 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल जी का जन्म हुआ। उनके फादर एक टीचर थे और एक कवि भी थे, इसीलिए अटल जी का भी कविताओं में ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने अपनी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से की और मास्टर्स उन्होंने कानपुर से की। उनको शुरू से ही पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और 1942 में उन्हें क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत अरेस्ट भी किया गया और उन्हें 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। तो एक्चुअल में पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई 1944 में, जब उन्हें आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि देश की सेवा के लिए वो शादी नहीं करेंगे। फिर 1947 में उन्होंने न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखना शुरू कर दिया। 1957 में उन्होंने अलग अलग जगह से लोकसभा के इलेक्शन लड़े, जिसमें उन्होंने एक मथुरा से और एक बलरामपुर से इलेक्शन लड़ा, जिसमें कि मथुरा से तो वो नहीं जीते पर बलरामपुर से वो जीत गए। और उनकी भाषण देने की कला इतनी जबरदस्त थी कि इंडिया के फर्स्ट पीएम नेहरू जी ने एक दिन कह दिया कि ये एक दिन जरूर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर 1977 में जब इलेक्शंस हुए तो अटल जी को विदेश मंत्री बना दिया गया और मुरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो अटल जी ही पहले ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर अपना भाषण हिंदी में दिया और हिंदी को फेमस बना दिया। फिर 1980 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और भाई राम सिंह शेखावत के साथ मिलकर बीजेपी की शुरुआत की और 1984 के इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीट मिली, जिसमें से एक अटल जी को और दूसरी लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिली। इस हार से उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, वो अपना काम करते रहे और फिर 1996 तक उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और फिर 16 मई 1996 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। बट ये सरकार गठबंधन की सरकार थी, इसलिए ज्यादा नहीं चल सकी और सिर्फ 13 ही दिन के बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया और अपनी सरकार गिरा दी। फिर आगे 1998 में फिर से इलेक्शन हुआ तो बीजेपी को 303 सीट मिली और 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 2004 में उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, लेकिन आज भी हर पॉलिटिशियन, हर लीडर उन्हें अपना आइडल मानता है। उन्होंने देश के लिए जो अच्छे काम किए उसके लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अटल जी चाहे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। थैंक यू सो मच।